कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और जिहादियों की ओर से उन पर किए गए अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश में जबरदस्त धूम मचा रही है। अब तक 5 राज्य हैं जहां इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की जा चुकी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। केरल कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों पर कटाक्ष भरे ट्वीट करके अपनी ही पार्टी को परेशानी में डाल दिया है। सबसे पहले केरल कांग्रेस ने फिल्म को लेकर विवादित ट्वीट किया, बाद में उसे डिलीट कर दिया। फिल्म को कम स्क्रीन्स पर रिलीज किए जाने को लेकर रायपुर, आगरा समेत कई शहरों में विभिन्न संगठन सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्सेस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों को फिल्म देखने के लिए एक दिन का अवकाश दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस महानिदेशक को पुलिसकर्मियों को फिल्म देखने के लिए एक दिन की छुट्टी देने के लिए कहा। राजस्थान के कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की मांग की और साथ ही कहा यह जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कश्मीरी ब्राह्मणों का दर्द देखें। देश के 7 राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा और उत्तराखंड में ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है। राजस्थान में भाजपा के साथ कांग्रेस विधायक भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फिल्म देखने गए भाजपा नेताओं के हंगामे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स PVR में सीटें खाली हैं, बावजूद इसके टिकट नहीं दिया जा रहा। इस फिल्म को लेकर केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया था, जम्मू कश्मीर में मारे गए पंडितों से ज्यादा संख्या तो मुस्लिमों की रही है। ट्वीट वायरल होते ही चारों तरफ से कांग्रेस को लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। आपको बता दें, एक तरफ देश के तमाम राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मुहिम शुरू हो गई है और वहीं दूसरी तरफ केरल कांग्रेस से विवादित ट्वीट किए जा रहे हैं। राजस्थान में फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने पर कांग्रेस ने अपना फैसला अब तक नहीं सुनाया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर इस फिल्म को देखने से रोका जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस फिल्म की खूब चर्चा हो रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड्स को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।